हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 21 जून 2023। 21 जून 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो आई होप आप सबने सुबह थोड़ा सा योगा प्राणायाम किया होगा। उसी के साथ स्टार्ट करेंगे। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक द कंटेंट, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। सबसे पहले हम देखते हैं आज के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनके बारे में। पहली जो न्यूज़ है वो है डायरेक्ट सीडिंग वर्सेस द ट्रांसप्लांटिंग। तो ये पैडी या राइस का एक मेथड है प्लांट करने का, ग्रो करने का। उसमें पहला मेथड है डायरेक्ट सीडिंग मेथड, जिसको DSR बोलते हैं, और दूसरा है ट्रांसप्लांटिंग मेथड, है ना। तो वैसे पहले हम राइस की अगर हम बात करें तो राइस का जो साइंटिफिक नेम है वो ओराइजा सटाइवा होता है। इसको जो टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो चाइना है। सेकेंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री इंडिया है। इंडिया में टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वेस्ट बंगाल है। पैडी जो होता है वो राइस विद हस्क होता है। इट्स अ हाईली वाटर इंटेंसिव क्रॉप, वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए। टेम्परेचर अगर हम देखें तो टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए, अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड रेनफॉल जो है वो एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर चाहिए। अब पहला जो मेथड है वो है ट्रांसप्लांटिंग द राइस, ट्रांसप्लांटिंग ऑफ द राइस। तो इसमें पहला जो ट्रांसप्लांटिंग होता है, इसमें पहले हम सीडलिंग्स प्रिपेयर करते हैं नर्सरी में। फर्स्ट द सीडलिंग्स आर प्रिपेयर्ड इन द नर्सरी एंड देन द प्लांट दीज सीडलिंग्स आर प्लांटेड इन द मेन फील्ड, है ना। उसके बाद उसको मेन फील्ड में ले आते हैं, पहले उसको नर्सरी में प्रिपेयर करते हैं एंड उसके बाद ये सीडलिंग्स जो है वो मेन फील्ड में जाता है, ठीक है ना। तो ये ट्रांसप्लांटिंग मेथड है। इसमें फ्लडिंग भी की जाती है। द फ्लडेड फील्ड इज बेसिकली डिनाय ऑक्सीजन टू द वीड्स सीड्स इन द सॉइल। तो होता क्या है कि जब फ्लड्स किया जाते हैं पूरे जो फील्ड है उसको फ्लडिंग की जाती है, तो जो फ्लडिंग है उस कारण से जो वहाँ पे वीड्स हैं, वीड के सीड्स हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसी तरीके से ये जो मेथड है इसलिए नेचुरल हर्बिसाइड के रूप में काम करता है। दूसरा जो हम मेथड है वो DSR है, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। तो इसमें पैडी सोन डायरेक्टली इन द फील्ड विदाउट एनी नर्सरी प्रिपरेशन। इसमें कोई नर्सरी प्रिपरेशन नहीं होता, इसमें कोई फ्लडिंग नहीं होती, पडलिंग नहीं होती, है ना। एंड DSR इज इफेक्टिव अगेंस्ट वीड्स एंड सेव्स वाटर कंपेयर टू ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग में बहुत ज़्यादा पानी यूज़ हो रहा था, लेकिन जो DSR मेथड, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस मेथड है, इसमें बिल्कुल मतलब एक तो ट्रांसप्लांटिंग का आपका टाइम भी बचा, एनर्जी बचा, लेबर कॉस्ट बची, और दूसरा आपका जो इसमें मतलब वीड्स इसमें भी नहीं होते। इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट द वीड्स एंड इट सेव्स अ लॉट ऑफ वाटर, वाटर बहुत बचाता है। एंड इट इज़ मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ज़्यादा है ट्रांसप्लांटिंग से। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि प्लांट्स आर मैच्योरिंग फास्टर व्हेन ग्रोन वाया द डायरेक्ट सीडिंग। अगर डायरेक्ट सीडिंग में हम ग्रो कर रहे हैं तो प्लांट्स इसमें ज़्यादा जल्दी मैच्योर होते हैं। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डिस्टर्ब द रूट सिस्टम व्हेन प्लांट्स प्लांटेड वाया डायरेक्ट सीडिंग। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि इसमें जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा जल्दी मैच्योर होते हैं, तो आप ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ग्रो कर सकते हो। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस के। क्या क्या डिसएडवांटेज हैं? तो पहला डिसएडवांटेज है हायर सीड रेट्स, रेट जो हैं वो ज़्यादा होते हैं इन वाले राइस के। देन सीड्स एक्सपोज टू बर्ड्स एंड पेस्ट। अब इसमें डायरेक्ट सीडिंग होती है, फ्लडिंग भी नहीं होती, तो ये बर्ड्स एंड पेस्ट के लिए डायरेक्ट एक इन्विटेशन एक तरीके का। वीड मैनेजमेंट थोड़ा टफ होता है, इसमें वीड मैनेजमेंट इज टफ एंड हायर रिस्क ऑफ लॉजिंग, ठीक है ना। तो जो लॉजिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, इसको याद रखिएगा। सेकेंड जो न्यूज़ है वो है क्यूरियोसिटी रोवर के रिगार्डिंग। तो नासा का क्यूरियोसिटी रोवर है, इट हैज सेंट अ ब्यूटिफुल पोस्ट कार्ड इमेज फ्रॉम मार्स। तो याद रखिएगा, नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल पोस्ट कार्ड इमेज भेजी है मार्स से। क्यूरियोसिटी रोवर का जो लॉन्च ईयर है वो 2012 है, याद रखिएगा 2012। इट इज़ पार्ट ऑफ द मार्स साइंस लेबोरेटरी मिशन ऑफ नासा। नासा का एक मिशन है मार्स साइंस लेबोरेटरी, उसके अंतर्गत ये लॉन्च किया गया था। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कैपेबल रोवर विच हैज़ एवर बीन सेंट टू मार्स। मार्स में भेजे जाने में सबसे ज़्यादा कैपेबल और सबसे बड़ा ये एक तरीके से रोवर है। एंड एम इज़ टू क्लाइम ऑन टू द लेयर्ड डिपॉजिट इन द सेंटर ऑफ द गेल क्रेटर। गेल क्रेटर है वहाँ पे, उसके सेंटर में जाना है इसको। एंड गेल क्रेटर इज़ लोकेटेड जस्ट साउथ ऑफ द मार्शियन इक्वेटर, ये भी आपको याद रखना है। फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो क्यूरियोसिटी साइंटिफिक टूल्स फाउंड केमिकल एंड मिनरल एविडेंस ऑफ पास्ट हैबिटेबल इन्वायरमेंट ऑन मार्स। इट कंटिन्यूज टू एक्सप्लोर द रॉक रिकॉर्ड फ्रॉम अ टाइम व्हेन मार्स कुड हैव बीन होम टू माइक्रोबियल लाइफ। तो ये बहुत पुराने टाइम की बात है जब
हो सकता है कि मार्स में माइक्रोबियल लाइफ रही हो, उस समय के एविडेंसेस जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं मार्स मिशन में एक चीज़ और ऐड ऑन कर दूं, यहाँ पे मार्स मिशन अलग अलग कंट्रीज़ के जो है, मंगलयान इंडिया का है, परसीवरेंस यूएस ये भी नासा का ही है, होप यूएई का मिशन है, तियानवेन वन चाइना का है, मार्स टू एंड मार्स थ्री मिशन रशिया के हैं, और इनसाइट मिशन भी आपका यूएसए का है। तो ये आप याद रख सकते हैं अलग सेपरेटली, इसको आप नोट्स में याद रखिएगा। अगला जो न्यूज़ है वो है असम राइफल प्लान्स टू सिक्योर लाइफलाइंस ऑफ मणिपुर हिल्स। मणिपुर में आप सबको पता होगा कि कुकी ट्राइब जो है, जो कुकी ट्राइब है, जो मिथी ट्राइब है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अभी वॉयलेंस इरप्ट हो गया था, पूरे मणिपुर अनस्टेबल चल रहा था, वॉयलेंस हिट था। अब ऐसे में असम राइफल्स इज प्लानिंग टू सिक्योर द लाइफलाइंस ऑफ द मणिपुर हिल्स। असम राइफल्स की अगर हम बात करें तो इट वॉज सेटअप एज कछार लेवी इन 1835, 1835 में इसको कछार लेवी के रूप में बनाया गया था। इट इज़ द ओल्डेस्ट सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स इन इंडिया, ये सबसे पुरानी ओल्डेस्ट सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है भारत की, एंड द फोर्स वॉज क्रिएटेड प्राइमरली टू प्रोटेक्ट असम्स अलूवियल प्लेन्स फ्रॉम द वाइल्ड एंड अनरूली ट्राइब्स दैट लिव्ड इन द एडजेसेंट हिल रेंजेस। तो ट्राइब्स से असम के अलूवियल प्लेन्स को बचाने के लिए इसको बनाया गया था पहले एक मिलिशिया के रूप में, एंड बाद में फिर ये पूरा जो आपका इंडिया म्यांमार बॉर्डर है और ये वाला जो रीजन है उसको भी गार्ड करता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। असम राइफल अपने आप में इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एकमात्र ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स है जिसमें कि डुअल कंट्रोल है, मतलब कि इट कम्स अंडर द कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द फोर्सेस विद MHA, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इज विद MHA, द ऑपरेशनल कंट्रोल इज विद द डिफेंस फोर्सेज या फिर इंडियन आर्मी, है ना, याद रखिएगा। इसमें मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और MHA दोनों का ही कंट्रोल है। जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो MHA के पास है, और जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो आपका इंडियन आर्मी यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल, इसको भी आप याद रखिएगा। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द फोर्स है वो MHA प्रोवाइड करता है, बट डिप्लॉयमेंट, पोस्टिंग, ट्रांसफर, डेपुटेशन ये आर्मी डिसाइड करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फोर्स हो जाती है इस कारण से। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एंड चाइना पाक इंक द न्यूक्लियर प्लांट डील। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी हुई कि चाइना और पाकिस्तान ने एक न्यूक्लियर डील की है, है ना, एंड द टू हैव साइंड अ स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन बिटवीन द टू ऑल वेदर एलाइज। अब ये तो कि याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि ऑल वेदर एलाइज टर्म अभी रिसेंटली न्यूज़ में था किन के लिए, किन दो कंट्रीज के लिए है, तो इट इज़ फॉर पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है ना, ऑल वेदर एलाइज। यहाँ पे एक टॉपिक है पीएम मोदी लैंड्स इन यूएस मेनी इवेंट्स इन पाइपलाइन। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी अब पहुँच चुके हैं अमेरिका, तो बहुत सारे इवेंट्स इश्यूज हैं जो कि हाईलाइट उनको करने हैं, डिस्कस करने हैं, और वो देखते हैं किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, आगे मूव करते हैं। आप मेरे साथ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे भी ऐसी कोई खास न्यूज़ तो नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं नहीं है ऐसी कोई न्यूज़। यहाँ पे 10 दिन बचे हुए हैं कर्नाटका की एक स्कीम लॉन्च होने के लिए। कर्नाटका में आप सबको पता ही हुई कांग्रेस की सरकार आ गई है, ठीक है ना। तो अब ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या कहा है, गवर्नमेंट ने राइस देने से मना कर दिया स्टेट्स को, ठीक है ना। गवर्नमेंट हैज सेड दैट दे विल नॉट बी प्रोवाइडिंग राइस टू द स्टेट्स। अब देखो दिक्कत क्या हुई कि उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करनी थी कर्नाटका में 10 दिन के अंदर। कौन सी स्कीम लॉन्च करनी थी, अन्न भाग्य स्कीम, अन्न भाग्य स्कीम, ABS, अन्न भाग्य स्कीम। अब अन्न भाग्य स्कीम के लिए उनके पास राइस ही नहीं बचा है, ठीक है ना। तो आप आपको ये याद रखना है, पहले तो अन्न भाग्य स्कीम अगर आपसे पूछे कि कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है आपका कर्नाटका से। क्या है ये बेसिकली, इट इज़ बेसिकली द राइस डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पब्लिक, है ना, लोगों के बीच में चावल और ये सब प्रोवाइड हो इसके लिए ये है, और गवर्नमेंट नहीं दे रही है इस कारण से। इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट राइस ही नहीं दे रही है स्टेट्स को, बोला नहीं हम FCI से आपको नहीं बेचेंगे अभी क्योंकि कमी है, ऐसा जो लॉजिक लगाया जा रहा है। अगला जो एडिटोरियल पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वह है सेमीकंडक्टर फैब द अनफिनिश्ड एजेंडा। तो यहाँ पे ऑथर जो है अजय कुमार, फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी हैं। अब इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है सेमीकंडक्टर के फैब्रिकेशन प्लांट के लिए, जो कि इंडिया में बहुत पहले से जिसकी शुरुआत हो गई है कि इसको लाना है। 2007 में पहला सीरियस अटेम्प्ट था, फिर 2012 में आया पहला। 2007 में जब आया तो एक स्पेशल स्कीम आई थी जिसको हम बोलते हैं SIP, यानी कि स्पेशल इंसेंटिव पैकेज, स्पेशल इंसेंटिव पैकेज। दूसरा जो था वो था मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज, 2012 में आया है वो, ठीक है ना।
तो ये दो अलग अलग तरीके से स्कीम कह सकते हो आप लोग की, दो स्कीम्स ऑलरेडी लाई जा चुकी हैं लेकिन अभी भी फैब्रिकेशन प्लांट सेटअप नहीं हो पाया इंडिया में। तो ऑथर ने यहाँ पे देखो दो तीन चीज़ें बोली है, वो मैं आपको एक एक करके बता दूँ। सबसे पहला ऑथर ने बोला लर्न फ्रॉम चाइना। सबसे पहला क्या बोला इसने ऑथर ने कि लर्न फ्रॉम चाइना। चाइना जो है वहाँ पे मैसिव सपोर्ट वॉज गिवन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था। इसके अलावा चाइना का चिप प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि US और इन सबसे ज़्यादा निकल गया है ना, और US और ये सब बैठे रहेगा लेकिन चाइना हैज़ ओवर ग्रोन देम, उनसे भी आगे निकल चुका है। इसके अलावा अगर आप देखें तो चाइना में ऑलरेडी क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो भी अपने आप में एक बहुत एडवांटेज है फॉर सेटिंग द फैब्रिकेशन यूनिट। चाइना हैज़ अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इन दैट। इसके अलावा US ने भी अभी रिसेंटली अपने आप को आगे लाने के लिए एक नया चिप्स एंड साइंस एक्ट 2022 लेकर के आया, तो अगर आप देख सकते हैं द US हैज़ इनएक्टेड द चिप्स एंड साइंस एक्ट इन 2022 और इसमें $40 बिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे स्क्रीन में यूरोपियन यूनियन हैज सैंक्शनड 7.4 बिलियन यूरोस फॉर अ न्यू फैब्रिकेशन इन फ्रांस, फैब्रिकेशन यूनिट नई फ्रांस में खोली जानी है उसके लिए इतना पैसा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट लगता है, ना केवल इन्वेस्टमेंट लगता है बहुत ज़्यादा बट इट इज़ वन ऑफ द रिस्कीएस्ट इन्वेस्टमेंट है ना। बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप लगाते हो फिर उनको रिकवर भी करना है आपको बिफोर द टेक्नोलॉजी बिकम्स ऑब्सोलीट, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। रिस्की क्यों है? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा इसमें फास्ट होता है। अब आपने कोई नया पूरा सेटअप किया, कोई एक टेक्नोलॉजी के साथ सेटअप किया, ठीक है, अब आपको वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होने में मान लो एक साल लगेंगे, एक साल के अंदर आपको उस टेक्नोलॉजी में जितना आपका पैसा लगा है वो रिकवर करना है। तो इस कारण से काफ़ी ज़्यादा टफ होता है इसको एस्टेब्लिश करना और इसको कंटिन्यू कर पाना। दूसरा ऑथर ने तरीका होता है कि इसमें हम ATMPs सेटल कर सकते हैं, ATMPs सेटल कर सकते हैं, एंड ATMPs अगर हम सेटअप करते हैं इस तरीके से तो हम अभी नॉर्मल जो असेंबली और ये वाले जो काम है ये वाले काम करेंगे। ATMPs में हम कौन से काम करेंगे? असेंबलिंग का काम करेंगे इसको, और इसके अलावा हम मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे लेकिन पहले हम असेंबलिंग का काम करें, उसको प्रोक्योरमेंट का काम करें, उसको ट्रांसफ़र का काम करें, ये सारी चीज़ें हैं एक्वायर करें, है ना। तो ये ATMP है। तो ATMP बेसिकली जैसे है वो उसमें भी हम पहले जा सकते हैं पैकेजिंग और इन सब चीज़ों में, है ना, असेंबलिंग पैकेजिंग इन सब में। तो चाइना में देखें तो चाइना में कम से कम 100 से ज़्यादा ATMPs हैं ऑलरेडी, है ना, और सीधे अगर हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग नहीं करवा पा सकते, प्रोडक्शन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम यहाँ से इंटर करें, है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने एग्जांपल दिया चाइना का ही अगेन कि चाइना से सीखो और ये चीज़ें आप करना शुरू तो करो, इन्वेस्टमेंट करने के लिए घुसो तो, ठीक है। और ऑथर ने यही कहा है कि आप नई टेक्नोलॉजीज में आप ध्यान दीजिए, है ना, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी ऑब्सोलीट होती है और ऑब्सोलीट हो उससे पहले आपको इसमें घुस जाना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगला है व्हाट इज द कंटेंशन बिटवीन कोल इंडिया एंड CCI। अब कोल इंडिया और CCI के बीच में क्या झगड़ा चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं CCI है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने 2017 में ठोक दिया इनके ऊपर फाइन लगभग 591 करोड़ का। ये बोला कि आप अपनी पोजीशन का डिसएडवांटेज यूज़ कर रहे हो, आप इसका अपनी कंडीशन पोजीशन का मिसयूज़ कर रहे हो, है ना। और CCI ने कोल CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड जो है उसने बोला कि नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी एक गवर्नमेंट एंटिटी हूँ और गवर्नमेंट एंटिटी के ऊपर मोनोपोली और ये वाला रूल लागू ही नहीं होता। उनका ये कहना है कि हम नेशनलाइज एंटिटी हैं तो हमारे ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा। वहीं पर कोल जो आपका कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने पहले राघवन कमेटी का जिक्र किया, उसने कहा राघवन कमेटी ने यह कहा था कि मोनोपोली जो है वो कंड्यूसिव नहीं है एंड इट इज नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, एंड मोनोपोली के लिए उन्होंने कहा था कि द कंपनीज गवर्नमेंट कंपनी शुड नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट इन अ स्टेट ऑफ इनएफिशिएंसी एंड शुड इंस्टेड ऑपरेट अमिड कॉम्पिटिशन के अमिड उनको काम करना चाहिए। इसके अलावा कोल सीज टू बी एन एसेंशियल कमोडिटी इन फरवरी 2007। इसके अलावा इनका CCI का ये कहना है कि कोल जो है वो एसेंशियल कमोडिटी भी नहीं है 2007 से, एंड नेशनलाइजेशन एक्ट 2 वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द 9th शेड्यूल। मतलब कि क्या उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, अब उसको किया जा सकता है। तो नेशनलाइजेशन एक्ट को रिमूव किया जा चुका है 9th शेड्यूल से, एंड 2017 में ही ये किया जा चुका है। तो इट वॉज ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट कोल इंडिया वॉज अ फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी अंटिल द डिसइन्वेस्टमेंट हैपेंड
और डिसइन्वेस्टमेंट के बाद जो गवर्नमेंट है वो केवल 67% शेयर होल्डिंग पे है, एंड रेस्ट इज हेल्ड बाय द प्राइवेट हैंड्स, है ना। एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे सीसीआई ने, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोली है। कोर्ट ने ये चीज़ सही मानी और इन्होंने ये कहा कि हाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है, देर इज़ नो मेरिट इन योर आर्ग्यूमेंट कि कंपटीशन एक्ट आपके ऊपर अप्लाई नहीं करता है क्योंकि आप नेशनलाइजेशन एक्ट से गवर्न होते हैं। एंड ये बिल्कुल नहीं है कि नेशनलाइजेशन एक्ट कॉम्पिटिशन एक्ट से रिकनसाइल नहीं किया जा सकता, है ना। तो यहाँ पे दैट इज़ अ थिंग विच हैज़ बीन मैंशनड बाय द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने ऑब्जर्वेशन में दिया और ये कहा कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, आपको भी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो लॉज हैं उनसे चलना पड़ेगा, आपको अपनी पोजीशन का अनड्यू मतलब मिसयूज नहीं करना है। तो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन मेंशन, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। यहाँ पे चाइना ने एक और हरकत की है, चाइना ने हमारे एक प्रपोजल को ब्लॉक कर दिया यूएन में। हमने कहा था कि 26/11 का टेरर अटैक का एक एक्यूज्ड है साजिद मीर, उसको मतलब ब्लॉक किया जाए, ब्लैकलिस्ट किया जाए, तो यूएन में फिर इसको हटा दिया। किसने हटा दिया? चाइना ने अपने मतलब उसको इस प्रपोजल को हटा दिया। तो चाइना नहीं सुधरेगा, चाइना को जब तक 2-3 झापड़ नहीं पड़ेंगे तब तक नहीं सुधरेगा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल कमिंग अप इन बिहार, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायण टेम्पल इज बीइंग सेट अप इन बिहार। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में ये आ रहा है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अगला है, इंडिया की पहली mRNA वैक्सीन अगेंस्ट ओमिक्रॉन हैज़ बीन अप्रूव्ड नाउ। तो भारत की पहली mRNA वैक्सीन है अगेंस्ट ओमिक्रॉन, तो इसका नाम क्या है? जेमकोवैक ओम। जेमकोवैक ओम इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस mRNA वैक्सीन फॉर द ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ द नोवल कोरोना वायरस। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए ये वैक्सीन है जो लाई गई है, जेमकोवैक ओम, और इंडिया की पहली mRNA वैक्सीन है ये, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब याद रखिएगा mRNA वैक्सीन क्या होता है, इट्स अ वैक्सीन टाइप दैट यूजेस अ कॉपी ऑफ मॉलिक्यूल कॉल्ड मैसेंजर RNA। तो mRNA वैक्सीन वो होता है जो यूज करता है मैसेंजर RNA को टू प्रोड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है ना। एंड द वैक्सीन डिलीवर्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीजन इनकोडिंग mRNA इनटू द इम्यून सेल्स। तो वैक्सीन करता क्या है? एंटीजन इनकोडिंग mRNA जो रहता है, मतलब जो वायरस या उसका बैक्टीरिया का पार्ट रहता है ना एंटीजन इनकोडिंग mRNA, उसको इम्यून सेल्स में डाल देता है। अब इम्यून सेल्स क्या करती हैं, फिर ये ब्लूप्रिंट बना लेती हैं इसका, है ना, जो वायरल या बैक्टीरियल आपने दिया है अंदर, शॉट दिया है उसका, वो फिर इम्प्रिंट बना लेती हैं और उसको पहचान लेती हैं कि अब इस तरीके का अगर पैथोजन आएगा तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो बेसिकली इस तरीके से ये काम करती है, एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती हैं, बिकॉज दे फर्स्ट टीच द इम्यून सिस्टम कि किस तरीके का आपके ऊपर अटैक होगा, और टीच करने के बाद फिर वो आइडेंटिफाई करता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है करस्पॉन्डिंग पैथोजन या कैंसर सेल्स को। तो mRNA वैक्सीन लाइक दैट ओनली। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे NABFID आईज 60,000 crore लोन बाय मार्च 2024। NABFID है क्या? इट इज़ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये ऑब्वियसली बात है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से लोन देते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि इसको बनाया गया था 2021 के आसपास बनाया गया था, और इसको इसलिए बनाया गया था ताकि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंसिंग अथॉरिटी ग्रुप में बन सके। इट इज़ सेटअप एज अ कॉर्पोरेट बॉडी एंड ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 1,00,000 crore रुपीज़। NABFID का शेयर जो है वो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, सॉवरेन वेल्थ फंड, पेंशन फंड, इंश्योरर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, एनी अदर इंस्टीट्यूशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, मे बी हेल्ड। लेकिन इनिशियली सेंट्रल गवर्नमेंट 100% ओन करेगा, जो अभी का टाइम पीरियड चल रहा है 100% ओन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, एंड विच में सब्सिक्वेंटली भी रिड्यूस्ड अप टू 26%। धीरे इसको रिड्यूस करके 26% तक किया जा सकता है, इनिशियली 100% है, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसको कॉर्पोरेट बॉडी के रूप में बनाया जाएगा, शेयर कैपिटल 1,00,000 crore रुपीज़ दिया गया था। इसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसकी शेयर कौन कौन होल्ड कर सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो NABFID विल हैव फाइनेंशियल एज वेल एज डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली लेंड करना, इन्वेस्ट करना, है ना, तो याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल।
एंड इसके अलावा इसका फंड कहाँ से आएगा, तो ये लोन ले सकता है या तो डिजिटल, या तो डायरेक्ट इंडियन करेंसी में, या फिर फॉरेन करेंसी में, या फिर ये सिक्योर कर सकता है इश्यूज एंड सेल्स ऑफ वेरियस फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग द बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स, या फिर बोरो कर सकता है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फ्रॉम शेड्यूल्ड बैंक्स, फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, फ्रॉम मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, ADB एक्सेट्रा. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा. आगे मूव करते हैं, लास्ट टॉपिक इज आर्कटिक, आई थिंक यस, क्लाइमेट ब्रेकडाउन, द आर्कटिक ओशन कुड बी आइस फ्री बाय 2030. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आर्कटिक ओशन है वो आइस फ्री हो सकती है बाय 2030. इतना ज़्यादा जो टेम्परेचर राइज है वो इतना ज़्यादा हो चुका है ऑलरेडी कि अगर आप कम भी करते हो तो भी बहुत मुश्किल है कि 2030 तक के बाद फिर आपको आर्कटिक आइस देखने को मिले. अब यहाँ इस न्यूज़ आइटम में दो तीन कुछ चीज़ें थी जो हम एक एक करके देख लेते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाऊँगा. देखो, द आर्कटिक हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग क्लाइमेट हीटिंग फास्टर देन एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लैनेट, ये भी आप याद रखिएगा. देन आइस विच रिमेन्स एट द एंड ऑफ द समर, वहाँ पे जो समर सीजन है उसके बाद जो आइस बचती है इज कॉल्ड मल्टी ईयर सी आइस. इट इज़ कॉल्ड मल्टी ईयर सी आइस एंड इज कंसिडरेबली थिकर दैन द सीजनल काउंटर पार्ट. तो ये थिकर होती है सीजनल काउंटर पार्ट से. इसके अलावा इट एक्ट्स एज अ बैरियर टू द ट्रांसफर ऑफ बोथ मॉइस्चर एंड हीट बिटवीन द ओशंस एंड द एटमोसफेयर. तो ये बैरियर की तरह काम करता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ बोथ मॉइस्चर एंड हीट बिटवीन ओशन एंड एटमोसफेयर. इसके अलावा ओवर द पास्ट 40 ईयर्स दिस मल्टी ईयर सी आइस हैज श्रंक टू अराउंड 4 मिलियन फ्रॉम 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. तो पहले 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था, अब केवल 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बचा है. एंड इट इज़ वेरी ह्यूज लॉस, बहुत बड़ा लॉस है. इसके अलावा देर हैज़ बीन कंसिडरेबल एफर्ट इन्वेस्टेड इन डिटरमाइनिंग वेन द आर्कटिक आइस माइट फर्स्ट बिकम आइस फ्री इन समर. अगर ये समर में आइस फ्री बन गया तो इसको बोलते हैं ब्लू ओशियन इवेंट. इसको कहा जाएगा क्या, ब्लू ओशियन इवेंट. तो याद रखेगा, इट विल हैपन व्हेन द सी आइस एरिया ड्रॉप्स बिलो 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. जब सी आइस का एरिया 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से कम हो जाएगा तो दैट विल बी द ब्लू वाटर इवेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. दैट इज इट फॉर द डे. कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.